नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय पाठक ब्लॉग्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइबर कैफे के बारे में जानकारी देंगे, जो कि हमारे परम मित्र हैं अजय पाठक जी। तो इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप साइबर कैफे खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनसे इसी बारे में बात करेंगे, साइबर कैफे में आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है और लगभग कितने प्राइस तक मिल जाता है, और वाईफाई की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है, और किस कंपनी का लगवाना चाहिए, कितना बजट बैठेगा, तो ये सब बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले बंसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको जो है इन्वाइट किया और अपने चैनल पे। जी दोस्तों, के जैसा कि इन्होंने बात किया है कि साइबर कैफे खोलने से लेके जो है शुरुआत में, मतलब आप दिमाग में साइबर कैफे खोलने के अगर बैठा भी रहे हैं, तो वहाँ से लेके जो है आप ये दुकान जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में चलने तक जितना भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को जो है अपना मेरे जो एक्सपीरियंस है पर्सनल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको जो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं एक एक करके मैं आपको समझा पाऊंगा। तो बंसी जी, आप सबसे पहले हमसे क्या पूछना चाहेंगे, किस चीज़ बारे में? अजय जी ये बताइए, साइबर कैफे खोलने के लिए जैसे हम वाईफाई मतलब लगवाते हैं, तो किस कंपनी का लगवाएं, कितना प्राइस लगता है उसका? देखिए, आपने जैसा बात किया कि वाईफाई लगवाएं, कौन से कंपनी का लगवाएं, क्या प्राइस है, तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका साइबर कैफे जो है मार्केट में आपके जो है कस्टमर कितने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपका ऑनलाइन वर्क जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है तभी आप वाईफाई लगवाइए, अदरवाइज आपको जो है दिन में बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो आप सिंपल जो है अपने मोबाइल में जो है 5G फोन लीजिए, और 5G फोन से जो अपना कंप्यूटर या लैपटॉप है उसको आसानी से वहाँ पर नेटवर्क के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में जो है सिम का नेटवर्क अच्छा हुआ तो आपको जो स्पीड जो है बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी। आप मुझे दिन भर का काम जो है आपके 1 GB 2 GB जो आपको डेटा मिलता है पर डे का, उसमें आपका काम आसानी से ही निकल जाएगा। तो अगर आप जो है काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी जो है वाईफाई मत लगवाइए। आप जब काम अच्छे तरीके से रनिंग हो जाए, आप कस्टमर जहाँ पे बैठ जाएं, जो कि आपकी दुकान पर हमेशा आए, तो उसके बाद आप वाई फाई पैसा लगा सकते हैं, जहाँ पे आपके 2 कंप्यूटर हो जाए, काम बढ़ जाए, ऑनलाइन काम जो आपको बहुत सारे आप सीख लें, तभी आप वाईफाई लगवाइए। अदरवाइज जैसे वाईफाई का कितना खर्चा आ जाता होगा? अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने जियो का लगवा रखा है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत था, मेरी मार्केट में जो दुकान है बहुत तेज चलती है, मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं, इसलिए मैंने जियो का लगवाया है। मुझे ये पड़ा है 3120 रुपए में, जबकि मुझे 3 महीने का इसमें रिचार्ज मिला था, और मुझे हर महीने जो है 1000 GB का डेटा मिलता है। तो आप मान सकते हैं पर डे का आपको जो है 33 GB पड़ गया, तो 1000 GB आप जो है महीने में नहीं खत्म कर सकते। मेरा महीने में अगर बहुत खत्म होता है तो 500 या 450 GB खत्म होता है। तो मेरा वाईफाई यहाँ पर लगा है 3150 का, जो कि मेरा यहाँ बजट बैठा हुआ है। तो जैसा कि इसमें वाईफाई का तो कन्फर्म हो गया, अब बात करते हैं इसमें आप क्या क्या चीजें जरूरी है जो कि आपको वो शुरू में रखना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, साथ में आपके पास यहाँ पर प्रिंटर होना चाहिए प्रिंट करने के लिए, फोटोकॉपी करने के लिए। उसके साथ आपके पास जो है लेमिनेशन की मशीन होनी चाहिए, जिससे आप जो है कोई भी कागज जो है उसको उस पर लेमिनेट कर सकें। साथ में आपके पास जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए, जो कि मेरे पास है, मैंने लिया मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज डिवाइस है, यहाँ पर अटैच है, इसको आप दिख रहे होगी, ये आपके पास होना जरूरी है। इससे आप क्या करेंगे, जब किसी का आधार कार्ड सॉरी पैन कार्ड बनाएंगे, जब कोई भी आप बायोमेट्रिक जो है वेरीफाई करेंगे, तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं पैसे निकालता हूँ आधार कार्ड से, तो इसके भी आप इसके लिए मुझे जो है मैंने लेना पड़ा है। मुझे कितने प्राइस तक आ जाता है? ये आता मैंने लिया था ये लगभग 2200-2300 का मुझे लिया था ऑनलाइन अमेजोन पे। आप अमेजोन पे जाके डाल सकते हैं मिंत्रा जो है बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस, आपको आसानी से मिल जाएगा। ये चीजें हो गई। साथ में आपको रखना पड़ेगा इन्वर्टर, अगर आप एरिया में लाइट जो है सही नहीं है, अधिकतर जो है जो भी देहात में होता है गांव में लाइट हमेशा करती है, तो आपको इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा। उसके साथ आपके पास यहाँ पे एक काउंटर होना चाहिए, और आपके पास जो है एक कम से कम बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट में पैसे होना चाहिए। उसके बाद जो है आप आसानी से अपना साइबर कैफे खोल सकते हैं, और उसमें आप साइड बिजनेस तौर पर मोबाइल का डेटा केबल और लाइट चार्जर हो गया, जैसे आपके पास हो गया केबल हो गई, छोटी मोटी जो यहाँ पर टार्च होती है वो रख सकते हैं। साथ में आप कुछ स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है मैं सब चीजें जो है रखता हूँ, और हमारे पास जो है डेली जो अच्छे खासे कस्टमर आते रहते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है छोटा साइबर कैफे खोलने के लिए। अगर आप खोलेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी,
और उसके साथ आप जो है खुद ही सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका धन्यवाद। अब आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को शेयर करना है जिन लोगों के लिए जो लोग अभी नया नया साइबर कैफे खोलना चाहते हैं। तब तक के लिए वंशी जी, जय हिंद, जय भारत।